चैनल्स हैं, आपके पेपर्स हैं, पूरा प्यार बरसाएं, पूरा आशीर्वाद दें ताकि उनकी जो ये विजिट है ये सक्सेसफुल हो, उनको आशीर्वाद मिले, जम्मू का, जम्मू की मीडिया का और हर उस आम आदमी का और हर उस आम ऑडियंस का जो आपके थ्रू घर बैठे अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस इवेंट को लाइव कवर देख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर बींग सो नाइस, फॉर बींग सो हम्बल एंड फॉर बींग सो सपोर्टिव। बहुत बढ़िया, क्योंकि वापिस आ गया है
क्योंकि वापस बना गया है। जय दुर्गे, जय माता दी। मेरे पास बहुत टाइम है, मैं सबके साथ तसली से बिताऊंगा, कोई टेंशन नहीं, आराम से। मैं चाहता हूँ कि जो डोगरी हमारी स्लैंग है, जो लैंग्वेज है हमारी, जो हमारी मातृभाषा भाषा है डोगरी, मैं चाहता हूँ दो लाइनें मेरे साथ करेंगे। मिठड़ी या डोगरे की डोगरी विदुर से। ओ भाई हेलो, ओ भाई इधर देख, क्या कर रहा मेरा कैमरा मैन। विदुर से, विदुर से, मिठड़ी या डोगरे की डोगरी, मिठड़ी या डोगरे। वहाँ की भाषा सिखाता है, ये मेरी भाषा है। थोड़ी समस्या सॉल्व भी कर देते, अपने रिश्तेदारी होंगे। सर कैमरा पीछे, कैमरा पीछे, मुझे माफ कर देना, आप लोगों को इतना इंतजार करवाया, और रिश्तेदार है जो बोलेंगे करना तो पड़ेगा, और बहुत कम मौका मिलता है मुझे, तो मैंने सोचा तसल्ली से ही कर देते हैं। क्या बोलते हैं, करेक्ट? मैं बहुत सालों बाद आया हूँ और बहुत गर्व से आया हूँ। जब मुझे बॉम्बे में पूछा गया था कि आप जम्मू में कहाँ जाएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जम्मू में, और भी बहुत सारी बावे है, मुझे बोला गया सब बहुत जरूरी है, मगर जहाँ से ये बीज निकला है जाना वहाँ जरूरी था। आज मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया हूँ, ये बोलने के लिए आप लोगों को, जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं, छोटे मेरे से बड़े, मेरी एज के उनसे भी छोटे, जो भी नहीं भी आए हैं, मैं उन सबको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर कोई सपना है ना तो छोड़ना मत। हमें वो खून है जिसमें आग लगी हुई है, और सब में है, किसी से रुकना मत। मुझसे बॉम्बे में लोग पूछते हैं कि सर कैसे कर लिया आपने, कैसे कर लिया, कोई सपोर्ट नहीं है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। जो भी चाहता है बॉम्बे में मेरी मदद, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, जरूर करना फोन या मैसेज, कभी डरना मत, मैं हमेशा वहां पे हूँ। मैं जम्मू का कोई भी बंदा मिलता है ना मुझे बॉम्बे में, और बोलता है सर मैं जम्मू का हूँ, लगता भी नहीं है, मैं उसको बुला लेता हूँ। आई लव यू, एंड आप लोगों से उससे ज्यादा प्यार करता हूँ जितना आप जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे अक्सर आता था जब कोई नहीं होता था। मेरे डैडी यहाँ से हैं, और मुझे अभी बताया खुपी जी ने कि ताई जी ने कि मेरे डैडी यहाँ के फर्स्ट आर्मी ऑफिसर थे। मैं बहुत गर्व से वापस आया हूँ। आई लव यू, इतना प्यार मुझे ना हिंदुस्तान में नहीं मिलता, ये अलग है। और एक मैं बात बोलना चाहता हूँ, मेरे मम्मी डैडी यहाँ पे जब आते थे मैं उनके साथ आता था। Come on.
छुआ आता है रोटियां पकानियां जे गर्मी जे लगदी पांडे मांझी दिया जे सर्दी जे लगदी ओ एक छोटा जया ओ एक निका जया एक छोटा जया निका जया नौकर रखबो ए गाना मैं हूं चंदन आई लव यू आई लव यू आई लव यू The most passionate actor of Bollywood industry, the proud traveler who made Bollywood thrilled with his actions, his movie, none other than our own pride, the martial artist, none other than the proud traveler, Vidhut Jamwal Tanya. होती है आपको क्या लगता है घर पे बैठ के आपको उठाएंगे मेहनत कब करेगा बेटा कहीं पे भी टैलेंट है मैं वादा कर रहा हूँ अगर कहीं पे भी टैलेंट हो ये जवान आप मेहनत करिए ऑडिशन दीजिए अगर आप में वो क्षमता है तो 100% मैं पहली बार आया हूँ अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं अभी तक तो एक्टर था ये सवालों का जवाब ये है कि मैंने कोई अलग जगह नहीं चुनी मुझे स्विट्जरलैंड का ऑफर दिया गया था और मैं जम्मू एंड कश्मीर में आके अपनी पहली प्रोडक्शन शूट कर रहा हूँ ये है जवाब हमने 36 एक्टर जम्मू एंड कश्मीर के यूज किए फिल्म पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च हुई दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री जो जम्मू कश्मीर में आई क्या लगता है कहने के लिए 370 एक पाबंदी थी यहाँ पर अरे बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं यार भाई मैंने आपको बोला कि मैं पहुंची हूँ भाई मैं कहीं पर भी जाता हूँ खुश रहता हूँ बहुत खुश हूँ यहाँ पर फैंस के लिए क्या कहेंगे आज बहुत फैंस को जो बोलना था बोल दिया और जो रुक रहे उनके पास जा रहा हूँ मैं वापस सर एक एक फोटो हमारे साथ ही एक एक फोटो सर एक एक फोटो सर एक एक फोटो सर मैम बात बोलना था जी जी सर एक मिनट जी सर जी सर मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है वो क्या है असली सवाल वो नहीं है यहाँ की यूथ के लिए सवाल है सच में मेहनत करो सच में मेहनत करो अगर मेहनत करोगे ना ऊपर वाला बुलाएगा दिस इज अ लिविंग प्रूफ किसी की मत सुनो बस लग जाओ जो सपना देखा है चाहे पैसे हो चाहे ना हो मेरे पास नहीं थे चाहे किसी को जानते हो नहीं जानते हो मैं किसी को नहीं जानता था बस लग जाओ मेहनत करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा ये वादा सर 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 विदु सर विदु सर विदु सर आपको आपको जंगस्टर्स काफी फॉलो करते हैं आपकी तरह बॉडी बनाना चाहते हैं उनके उनके लिए एक मैसेज क्योंकि आपकी तरह बॉडी बनानी है सर सबको मेहनत करो एक ही मैसेज है जिसको बॉडी बनानी है मेहनत करो और क्या बताओ सर आपके एप्स देखने ये वाली बात हो गई यार खुद दिखाना नहीं देखना सर आपके देखने मुंबई का सफर है
संभालने के लिए क्या कहेंगे यूथ को कि वो डर कैसे खत्म किया फिल्म कब रिलीज करने वाले सर आई पहली बात तो ये है कि मैं रेगुलर बॉलीवुड एक्टर नहीं हूँ, मार्शल आर्टिस्ट हूँ। दूसरी बात बता देता हूँ बेटे, मेरे मामा ने 1965 की वॉर में शहीद हुए, मैं नॉर्मल लड़का नहीं हूँ। जिसका मन ना है देखना देखे, अपनी मर्जी करो यार, सबका दिमाग है अपना इस्तेमाल करो। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए गाना गा दिया, अभी भी शर्म नहीं आती है भाई? सर एग्रीगेशन 370 के बाद क्या लगता है जिस तरीके से समय सर आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ 370 क्या लगता है सर जिस तरीके से फिल्म पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च की गई है? मेरे फादर आर्मी ऑफिसर है, जहाँ पे फौज खुश मैं वहाँ पे फौज खुश, अपने देश की बहुत बहुत खुश है इस समय। अच्छा लगता है सर। सर मैं करूँगा नेपोटिज्म, जिसमें टैलेंट है, जैसे मुझे किसी ने मदद की मैं जरूर करूँगा। शूटिंग आएगी 71 की शूटिंग कंप्लीट हुई आपकी सर, क्या कहेंगे शूटिंग्स होंगे यार हम लोग क्या कर रहे हो? मेरा ये सवाल है कि क्या जम्मू के युवाओं के लिए आप कोई प्रोडक्शन हाउस जम्मू के अंदर से खोलना चाहते हैं? एक प्लेटफॉर्म, आप जम्मू से हैं और आप किस तरह से जम्मू वाले उठ के आओ, हम में वो भी मेहनत होती है, आपको क्या लगता है घर पे बैठ के आप क्या कर रहे हो? मेहनत कब करेगा बेटा, कहीं पे भी टैलेंट है मैं वादा कर रहा हूँ। सर जब भय रहता है तो सर किस तरह से आपके प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकते हैं वो लोग? आप मेहनत करिए, ऑडिशन दीजिए, अगर आप में वो क्षमता है तो 100%। क्या ऑडिशन जम्मू में होंगे? मैं पहली बार आया हूँ, अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं अभी तक तो एक्टर था। ये सवालों का जवाब ये है कि मैंने कोई अलग जगह नहीं चुनी, मुझे स्विट्जरलैंड का ऑफर दिया गया था, मगर मैं जम्मू एंड कश्मीर में आके अपनी पहली प्रोडक्शन शूट कर रहा हूँ। ये है जवाब मेरा। 36 एक्टर जम्मू और कश्मीर के यूज किए हैं। क्या लगता है कितनी और शूटिंग यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि खूबसूरती की बात की जाए जम्मू कश्मीर में खूबसूरती काफी ज्यादा, स्पॉट्स काफी ज्यादा अच्छा है, कहाँ कहाँ आपकी शूटिंग हुई है और किस तरीके से उन चीजों का इनपुट किया जाता है? उसके बाद हुई नहीं और थोड़ा बहुत दिखाया हमने आई थी 1970 में, तो मैं वीडियो कर रहा हूँ। जितनी सुंदरता मुझे दिखती थी मैंने सब दिखाई। यहाँ पे कोई हरीश डोगरा की तरफ से है, मेरे भाई हैं वो, अब रिसेप्शन से सवाल पूछे सर, जरा सही है तो थोड़ा यूज तो करना पड़ेगा ना। क्या सवाल है भाई? सर काफी यूथ सर पहुंचना चाहता है वहां पर, आप इंस्पिरेशन है, आइडल है यहां पे यूथ को लेकर पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर डिफरेंस कहाँ देखते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर मुंबई को लेकर, जो अंतर अभी तक यहाँ पर बना हुआ है? जम्मू कश्मीर के लड़के लड़के ज्यादा बोल होते हैं, पहली बात तो ये हुई। सर यू आर सो सर यू आर सो साफ नहीं है, यू आर सो गुड लुकिंग, यू आर ग्रेट सर, यू आर ग्रेट, आप ऐसे बोल रहे हो गाड़ी मार रहे हैं। आई थिंक जिस तरह से हम लोगों को बड़ा किया जाता है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चों को अगर कोई सपना हो
कोई भी सपना हो, चाहे वो पेंटर बनना चाहता है, वो कंट्रेक्टर बनना चाहता है, बनने दो, क्योंकि अगर वो बनना चाहता है तो वो बनेगा। जब मैं एक्टर बनने के लिए निकला था, बहुत लोग थे नज़दीकी वाले जो बोलते थे कि मुश्किल है, बोलेंगे तो सही, बट ऐसे भी थे कई जो सपोर्ट कर रहे हैं, आज वापस इसीलिए आए हूँ, थैंक यू बोलने के। सर प्यार काफ़ी मिला जम्मू के अंदर आपको, सोशल मीडिया की बात करूंगा, प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है, जो आर्टिस्ट है उभारते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कितना जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड की बात करेंगे सिमट के रह गया सीरीज के अंदर भी मोबाइल के अंदर, कितना जरूरी है सोशल प्लेटफॉर्म को एडवांटेजेस जो है इसके उसको पॉजिटिव वे में यूज करना। सोशल मीडिया से आप अपने नजदीकी जिनसे आप चाहते हैं उनसे भी मिल सकते हैं, जिनसे मुश्किल होता है मिलना उनसे भी मिल सकते हैं, आई थिंक बहुत अच्छा है, लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा वे करेक्ट करने के लिए, क्यों नहीं। मुझे सोशल मीडिया में बहुत लोग मैसेज करते हैं और कई बार मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, चाहे मैं उनको नहीं भी जानता हूँ, प्यार देने में बहुत मजे आते हैं। विद्युत सर आपसे एक सवाल, क्या आप जम्मू के युवाओं को अपने प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए मौका देंगे? आप जैसे लोग ही नेपोटिज्म बढ़वाते हैं, इसकी बुराई होती है, बट सर ऑडिबल आवाज आ रही है सर, आ रही आपके जो से फैंस इकट्ठा हुए हैं जैसे दिल्ली में है, सबसे ज्यादा तो एक बात सुनो कि आपको पता है जब हम छोटे थे मेरा दोस्त है करूंगी हम अक्सर यहाँ पे वैष्णो देवी जाते थे तो कॉन्फिडेंस तो होता नहीं है उनसे बात करने का तो मैंने वहाँ पे पहली बार चीख मारी थी किसी ने आवाज नहीं दी थी पीछे मैं मारता हूँ चीख पीछे आवाज लगाएगा वो सचे दरबार की करती है सर, जिम्स में आपके फोटो है, लड़कियों के रूम में आपके फोटो है, इनको कैसे पता है सब बातें, सर मैं सोशल मीडिया पे देखता हूं, सर कैसे पता है लड़कियों के रूम में फोटो भैया, ये सर है यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, आ जाओ आ जाओ, कहां गए हम भी देख रहे हैं ना, वो सच्चे दरबार की जय, विद्युत भाई की जय, हां गंगा का जमाल ये लिखा है ये भी लिखा है मैं इसका मुझे पता नहीं मेरे तो यहाँ लिखा है जमाल में जमाल हूँ भाई मैंने पहले डोगरी का जो मैंने पहली डोगरी की जो लाइन सीखी थी ना वो इतनी कूल नहीं होगी मैंने सीखी थी और मुठी दबाना आपको डोगरी आती है त्रातलो शुरू वहां से की थी मेरे मम्मी डैडी की एक बार मैं आर्गुमेंट सुनता सब सर माँ बाप की होती है सो जब मेरी मम्मी मेरे डैडी से गुस्सा हो जाती थी मैंने एक लाइन सुनी थी जिसका मतलब नहीं पता था वो लाइन ये थी आऊंगा लानी यार सचुए मेरे पाकू देवा कछुआ ये मैं सोचता था मेरे गलत था जिस जिसको आता है और वो बोलता है डोगरा तो गाले मेरे साथ एक लाइन अंगड़ी भाई ना
हुआ आता है। देखो ना कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं मीडिया के बिना। आप लोग सुनते हो, वो लोग क्या सुनेंगे।